हे गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो मैं लेके आया हूँ अगेन बिगनर्स के लिए, जो कि है सेकंड वीक का वर्कआउट। आपने जो लास्ट वीडियो देखा होगा मेरा, वो था फर्स्ट वीक वर्कआउट जो बिगनर्स के लिए था, जिसमें मैंने बताया था कि एक बिगनर जब जिम जाता है तो उसको कैसे कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, कितने सेट्स करने चाहिए। तो उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैंने बताया कि अब आप एड ऑन उसमें क्या कर सकते हो और सेट्स कैसे बढ़ा सकते हो, रेपिटेशन कैसे बढ़ा सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें इसको। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो करेंगे हम बारबल बेंच प्रेस। हाथ रखेंगे शोल्डर लेंथ पे, स्लोली नीचे लेके जाएंगे ब्रीदिंग करके, ब्रीद आउट करके ऊपर। तो इसके करेंगे हम 12 से 15 रेपिटेशन और इसके करेंगे 3 सेट। वेट आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। और सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, अब हम करेंगे अल्टरनेट में एक्सरसाइज। अल्टरनेट में जैसे पहले एक चेस्ट फिर बैक, फिर चेस्ट फिर बैक, उसके बाद फिर शोल्डर लेग्स, फिर बाइसेप ट्राइसेप, ऐसे करके एक्सरसाइज करेंगे। और अब सारी एक्सरसाइज में ना हम 3 सेट कर लेंगे, अपने वेट अपने अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। अब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे हम लैट पुल डाउन, ये हमारी बैक के लिए, ये पकड़ेंगे हम बिल्कुल एंड से पकड़ेंगे। और पूरा नीचे लेके आएंगे और पूरा ऊपर तक जाएंगे। एक सेकंड होल्ड। और हमारी एक चेस्ट की एक बैक की एक्सरसाइज हो गई है। अब आएंगे दोबारा, अब करेंगे दोबारा से चेस्ट की एक एक्सरसाइज और। करेंगे हम इंक्लाइन डंबल प्रेस, सो नॉर्मल ऐसे जाएंगे हाथ में छोटा। तो सर भी वही सेम 12 से 15 रेपिटेशन करेंगे और वेट अपने अकॉर्डिंग चूज रखेंगे। अब हमारी सेकंड चेस्ट की एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, इसमें भी 3 सेट करने हैं। अब हम करेंगे बैक की एक्सरसाइज अपने। बैक की जो हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे सीटेड रो, वेट अपने अकॉर्डिंग चूज रखेंगे। इसमें क्या करना है, ऐसे करना है, पूरे पिछले जाना है आगे, फिर ऐसे करके पूरा बैक खोलना है आगे तक। सारी एक्सरसाइज में हम करेंगे वो है 1 सेकंड का होल्ड, सारी एक्सरसाइज में हम 1 सेकंड का होल्ड रखेंगे। करेंगे हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई है बैक की। तो हमने अभी 2 एक्सरसाइज बैक की, 2 एक्सरसाइज चेस्ट की कर ली हैं। अब हम सेकंड एक्सरसाइज जो करेंगे वो करेंगे शोल्डर और लेग्स। जो शोल्डर की फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो हम करेंगे शोल्डर प्रेस। अगर आपके पास आपके जिम में ऐसी मशीन ना हो, जैसे ऑलमोस्ट होती है जिम में, बट ना हो तो आप इसको डंबल से भी कर सकते हैं। मैं दिखा दूंगा अभी डंबल से कैसे करनी है। और डंबल से करते हैं पहले, अभी इसको मशीन से करके देखते हैं ऐसे करना है। पोजिशन हमारी ये रहेगी ऊपर से स्लोली नीचे, सेवन एट नाइन टेन
11 फोल्डर की हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें भी हमको 3 रेपिटेशन करने हैं 15 से 20 रेप्स के, सॉरी 3 सेट्स करने हैं 15 से 20 रेपिटेशन के। आप 12-15 भी रख सकते हो। और अब सेकंड एक्सरसाइज, अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लेग्स की, इस बार हम स्क्वाट्स ना करते हुए करेंगे हम लेग एक्सटेंशन। तो शोल्डर प्रेस हम डंबल से भी कर सकते हैं, वो इस तरीके से करेंगे 1 2 4। लेग्स में जो हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे लेग एक्सटेंशन। वेट अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, ऐसे जाके झलक से हम पूरा स्ट्रेट 1 पूरा नीचे तक लेके जाएंगे 2 3 4। अगेन 1 सेकंड का होल्ड ऊपर 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें भी हम 12 से 15 रेपिटेशन करेंगे। और इसको हम पहले ना लाइट वेट से स्टार्ट करेंगे, लाइट वेट से, इसलिए कि आप पहली बार करोगे तो हो सकता है कि आपके ना मसल भर जाए और आप है ना थर्ड या फोर्थ सेट या आगे की एक्सरसाइज ना कर पाओ। तो इसलिए इसको हम है ना 2 से 3 सेट करेंगे इसके, रेपिटेशन रखेंगे 15 से 20 के बीच में, 12 से 15 भी रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वो करेंगे हम शोल्डर फ्लाई, ठीक है, वैसे करनी है, इसको यहां रखना है इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। जो लेग्स की एक्सरसाइज हम करेंगे वो हम करेंगे लेग प्रेस। इसमें वेट अभी जो स्टार्टिंग करेंगे वेट कम वेट से स्टार्ट करेंगे, ऐसे रखेंगे अपने पूरा नीचे तक लेके आना है 20 रेपिटेशन तो एटलीस्ट करें इसको। इसके 3 सेट्स करने हैं और वो भी 12 15 या 20 रेपिटेशन के अपने अकॉर्डिंग, लेकिन वेट अभी क्योंकि पहली बार करेंगे इसको तो वेट इसमें ना कभी रखेंगे, ज्यादा वेट से नहीं करेंगे इसको। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो हम करेंगे बारबेल कर्ल। इसको हम वेरिएशन में करेंगे। पहले तो हम जो रॉड लेंगे वो शोल्डर लेंथ की रॉड लेंगे और जो उसको पकड़ेंगे वो पहले ऐसे पकड़ेंगे, मैं थोड़ा बाहर से तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 अब जो सेकंड सेट हम लगाएंगे इसमें वो हम करेंगे इसको क्लोज ग्रिप से पकड़ेंगे। पहले हमने वाइड ग्रिप से पकड़ा था, अब हम इसको क्लोज ग्रिप से पकड़ेंगे शोल्डर लेंथ के अंदर, ठीक है। रेस्ट लेके एटलीस्ट 45 टू 1 सेकंड से 1 मिनट का रेस्ट लेके हम इसको पकड़ेंगे अंदर से 1 2। इसे करेंगे हम 4 सेट ऐसे कि 2 वाइड ग्रिप से और 2 क्लोज ग्रिप से करेंगे अल्टरनेट, पहले वाइड ग्रिप फिर क्लोज ग्रिप फिर वाइड ग्रिप फिर क्लोज ग्रिप। तो बाइक के बाद हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे अपने ट्राइसेप की, और जो करेंगे हम केबल ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, जिसमें हम पोजिशन इस तरीके से लेंगे, यहाँ बिल्कुल एंड इधर से लास्ट से होल्ड करेंगे इसको। होल्ड करने के बाद थोड़ा बेंड करेंगे बॉडी को, जो हमारी एल्बो होंगी वो हमारे हेड के ऊपर होंगी और ऐसे 1 2 3 4 5 6
सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व फिफ्टीन। ये ट्राई सिक्स हम तीन से चार सेट करेंगे 15 से 20 रेपिटेशन के, आप चाहें तो 12-15 रेपिटेशन कर सकते हो। अब इसमें जो वेट है वो अपने अकॉर्डिंग ही रखेंगे हम। तो आज का जो वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है और आज हमने जो सीखा वो ये है, जो हमने पहले वीडियो देखा था वो था वीक वन के लिए कि मतलब जब अब एक बिगनर जिम में जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से रेपिटेशन सेट्स वगैरह करने चाहिए। और आज का जो वीडियो है उसी का सेकंड पार्ट है, उसी का सेकंड पार्ट जैसे कि जब हम सेकंड वीक में जाते हैं, मतलब फर्स्ट वीक तो हमारी कंप्लीट हो गई, हमने फुल बॉडी वर्कआउट कर लिया, अलग अलग बॉडी वर्कआउट करा। अब हम सेकंड वीक जब जाते हैं तो हमें क्या करना है, तो सेकंड वीक में हमें करना है कि हमें ना सारे बॉडी पार्ट, हम अभी कभी भी सारे बॉडी पार्ट फुल बॉडी वर्कआउट ही करेंगे। जो बॉडी वर्कआउट हम करेंगे उसमें हम वेरिएशन ला देंगे ऐसे कि पहले हम चेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम बैक करेंगे, फिर हम चेस्ट करेंगे, फिर बैक करेंगे, फिर शोल्डर, फिर लेग्स, फिर शोल्डर, फिर लेग्स, फिर बाइसेप, फिर ट्राइसेप। मींस ऑल्टरनेट करेंगे लेकिन करेंगे फुल बॉडी वर्कआउट ही। ये भी हम पूरे वीक ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। सेकंड वीक जब हमारा कंटिन्यू हो जाएगा पूरा, मतलब ये कि आप सेकंड वीक भी वर्कआउट फॉलो करते हो, जब आप थर्ड वीक जाओगे तब आप है ना सिंगल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो। मींस कि आपने पहले दिन चेस्ट किया, सेकंड डे आपने बैक कर लिया, ऐसे करके। बट अभी जो इनिशियल जो स्टार्टिंग दो वीक सकते हैं उसमें तो आपको ना फुल बॉडी वर्कआउट ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक बिगनर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जो उन दोस्तों में शेयर करें जो लोग पहली बार है ना जिम जा रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि कहां से स्टार्ट करना है, तो उनमें शेयर करें, उनको हेल्प मिलेगी कि कैसे वर्कआउट अपना करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि आपको कि आप एक सिंगल बॉडी वर्कआउट कैसे करते हैं। मींस आप ना अगर जैसे थर्ड वीक में जाते हैं या फोर्थ वीक में करते हैं, तो अगर आप चेस्ट करते हैं तो चेस्ट पे आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप बैक करते हैं तो बैक में कौन सी करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं डे बाय डे का एक वीडियो बना दूंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।